Hi everyone, welcome to Algo Delta. So in this video I will show you how you can do copy trading with Alice Blue and Alice Blue को Algo Delta का जो copy trading software है उसके साथ कैसे connect करना है. तो इसके लिए हमने एक separate blog बना के रखा है जिसमें सारे steps mention किए गए हैं. तो वो आपको blog.algodelta.com के ऊपर मिल जाएगा, जिसकी link मैंने description में डाल दी है. तो उसके बाद आप जैसे ही ये site open करोगे, यहाँ पे आपको copy trading with Alice Blue मिल जाएगा, उसको आपको open करना है. और इसमें सारे स्टेप्स मेंशन किए हैं कि आप कैसे Alice Blue को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको copytrading.algodelta.com के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना रहेगा. जैसे ही आप रजिस्टर करोगे आपको पासवर्ड जो है आपके मेल आईडी में मिल जाएगा और उसके साथ आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो. और जैसे ही लॉगिन करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट में आ जाना है और यहाँ से कनेक्ट यूज़र्स ब्रोकर में आपको Alice Blue सिलेक्ट कर लेना है. और जैसे Alice Blue सिलेक्ट करोगे आपको ये फील्ड एंटर करने की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो यहाँ पे है Alice Blue का आईडी, जो आपका Alice Blue में लॉगिन करने के लिए आईडी है वो Alice Blue का पासवर्ड, देन बर्थ ईयर, जो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहता है ये बर्थ ईयर, एंड आपकी TOTP की. तो TOTP की कैसे जनरेट करनी है उसके स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि एंड के वेब में लॉगिन पेज के ऊपर जाना है. तो यहाँ पे आपको जैसे ही यूज़र नेम एंड आपका जो बर्थ ईयर रहेगा आपका टू फैक्टर वो डालोगे. उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि रजिस्टर फॉर TOTP. अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है तो आपको वो पहले डिसेबल करना पड़ेगा लॉगिन विथ OTP करके, और फिर से इसको अनेबल करना पड़ेगा. तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो रजिस्टर फॉर TOTP, आपको एक OTP मिलेगा और वो डालने के बाद आपको यहाँ पे QR कोड मिलेगा. तो उसके नीचे जो रहता है उसको TOTP की बोलते हैं, जिसके यूज़ करके हम डायरेक्टली OTP जनरेट कर सकते हैं. आपको यहाँ पे अपना 6-digit OTP नहीं डालना है, जो ये TOTP की मिलता है वो एंटर करना है. तो ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिल कर देना है. और जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करोगे वो आपको एक पॉपअप में दिखा देगा कि आपका डीमैट अकाउंट कनेक्ट हो चुका है, और आपको यहाँ पे उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी कि उसके मार्जिन कितना है, उसका P&L क्या चल रहा है, कितनी पोजीशन ओपन है. और जैसे आप डीमैट के ऊपर क्लिक करोगे उसमें पूरा आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा. तो इसमें कौन कौन से फीचर्स है वो उसके लिए हमने एक सेपरेट से वीडियो बना के रखा है, तो उसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाएंगे. और उसके बाद आपको यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग में आ जाना है. जैसे ही आप कॉपी ट्रेडिंग में आओगे तो यहाँ पे आपने जो भी अकाउंट कनेक्ट किया है उसको आपको एज ऑप्शन मिल जाएगा. इसमें से आप कोई भी मास्टर में सेट कर सकते हो. इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपका जो मास्टर अकाउंट है वो Alice Blue है तो आपका चाइल्ड अकाउंट भी Alice Blue होना चाहिए. आप किसी भी डीमैट को एज अ मास्टर सेट कर सकते हो और किसी को भी चाइल्ड सेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मास्टर आपका एंजल वन है तो आप चाइल्ड में Alice Blue भी डाल सकते हो, ज़ीरोधा भी डाल सकते हो, मतलब वाइस वर्सा कोई भी सेट कर सकते हो. और उसमें इस कॉपी ट्रेडिंग टैब में भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएगी, कितना मार्जिन है, क्या P&L चल रहा है. और अगर इसमें कोई भी आपको इश्यू आ रहा है तो सारे स्टेप यहाँ पे मेंशन है. अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सपोर्ट टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो आपको कनेक्ट करने में थ्रू आउट हेल्प करेंगे. एंड जो भी हम नए फीचर्स इसमें ऐड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको YouTube में मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली उसको सब्सक्राइब कर सकते हो एंड सारी नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आपको वहाँ से मिल जाएगी. एंड इसमें हम जो भी नए फीचर्स ऐड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली YouTube में मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली वहाँ से उसको सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.